60 तो नारियल में रंग दे कई क्यों तो घी देसी इकट्ठा हो गया जो बोल के घी घी में लगा दे वो बोल के लिए वो बस घी के अपने जी वो कर रखा है कोई भी चीज बनाने के लिए मना करती है सब बोले बाबा जी होड में करें भाई महाराज गुरु जी कितनी बड़ी समाधि महाराज गुरु जी कितनी बड़ी समाधि गोबर से देखती हो राख जितनी हो सारी उठा चाट जाएंगे लोग मुंह से दिखावा नहीं सदा दिखावा नहीं वो दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं अब चार लाख जी हैं 6-7 करोड़ रुपया अपने गुरु जी समाधि पर लगा रहे हैं 6-7 करोड़ का 6-7 करोड़ बताओ यूज गए खुद गए अब पिछड़े करो 500 करोड़ ना वो माय गॉड फिल्म में वो डायलॉग मारते हैं ना कि भाई साई बाबा जब तक जिंदा था तब तेल की एक बूंद के लिए घूमता था अब उसके लिए सोने का मुकुट बना दो इसलिए सोने का ताज बना दो सोने का सिंहासन साफ मना करी उन्होंने बोला कि दिखावा नाम की चीज नहीं रखो राख हो सारी माजून डाली और गोबर से या भी मार बर हम ही मान लो भाई याददाश्त है उनकी तो यह थी कि भाई बिल्कुल सादो जीवन जियो जो भी खर्च करो वो गाय पर करो और गाय की अच्छी सेवा करो यूं नहीं दिखावा नहीं बहुत अच्छे भाग्य सुन जी हम तो जब भी आओ है ना मर्द जी खुश हो जाओ एक परिक्रमा लगाओ घनी जगह मत रखियो सारा ना एक जगह ही कर दियो या को नहीं किनारी बना दियो किनारी बना दियो जगह रोकना कोई फायदा नहीं सही है हाँ तुम्हारा दो दो तीन गुरु भाई होंगे सारा पूरे एक मोहन स्वरूप जी हमारे गुरु भाई है तो एक ही पुराई वो तरह याद रख लियो तो हमने नौवन बैठा के एक साथ दीक्षा दी थी नहीं तो संक्रांति को दिन तो उन्हें सारा जो है ना वह तेरह जो नाम आप तो नाम आप अब काम रखिए हमारे याद को ना हमने दोबारा पूछा वह तेरह के मेरे के नाम कट गए तो हमने को नहीं जरूर जो आऊंगा बता ना बता दो गिर गया था मैं हाथ पर कम कौन करता रोटी भी यही प्राप्त खाता रहा कपड़ा भी यही प्राप्त था जूता भी यही प्राप्त था चप्पल भी यही प्राप्त था भाई को बाढ़ सी पड़ गई हाथ काम कौन करता रोटी भी चम्मच यही खिलाता और एक दिन की घटना तो मैं कई बार बता चुके हूँ दो पैर में जो पूरा विश्राम कर रहा था माठे बीच में सिर लगा रखे थे अरे कौड़ो सांप कम से कम भी 8-7 फुट को वो आ गए भीतर सारा के अच्छा। तो पूरे सिर लगाने के बाद इतनी की थोड़ी घनी जगह बचती होगी दोपहर में आ गए तो है के पेड़ के ऊपर चढ़ गयो आके फिर गुरु महाराज ने आज तो सांप आए हुए थोड़ी देखी वो हाथ धो रहा था वो बैठा था मुझे अच्छा, दूध ले आए
तो दूध गर्म थो थाली करके यूं पिलाने लग गया, वो गर्म थो जो हाथ वो टिकता है वो चमक के चले गए, बाकी पेड़ के ऊपर वो रात भर रहे। रास्ता नहीं मिलता है और यहाँ यहाँ भी एक भी वो नहीं नौकर नहीं। अच्छा अच्छा, सब सब गांव वाले सब गांव मिलते करते हैं। नारायण 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 नारायण। ये मेरा गुरु भाई गाँव जो खड़े थे नारायण अगर हमने अच्छा लग रहा है। फिर भी इतना शरीर भारी होने गुरु महाराज जी के सामने ये सारी दूध वाले दूध लेट निकालोगा एक गाय से चुके हैं नाम था। हाँ एक गाय से बच्चे के लिए पट्टा बना रखा है लास्ट साथ में घुमा के भी जाए।
नहीं तो जैसे जी ऐसी स्थिति हो जाए पाँच मिनट को टाइम भी भागता करेंगे रोटी भी बनी खा जाए दाल अगले खेतों चलता ही खा लें और इतना व्यस्त जीवन में टाइम ये गुरु महाराज जी की तपस्या लोगों ने शांति मिले ऐसे करने से जब ये जाने इतना बच्चा है देखो तो कितनी गायों का दूध निकालो इतना ही बच्चा है दूध निकालते हैं वो वक्त पीछे का शिक्षा आया था नहीं आता वो तीन बजे उठ के आया चार बजे फिर दूध निकालना शुरू करते कई बार लात भी मारते गाय ना नाक भी खाए खड़े खड़े फिर पिछले जन्म का शिक्षा आया पर जो अति आ गया ठीक है भाई निकलवा ले दूध दान है अपने सत्संग बोन की जगह और फिर आँच ला छोरी थी यो भी चल गया जब फिर पास बाद में जो है गुरु महाराज ने बोले कितने लगा दो लाग जाते फिर उन्हें खोद के उठा से खोद के रूर लगाए तो कई दिन सुको रहे सार फिर पास बाद में कोई सही होगी सो बने लाग जो वहाँ का टाइम पर नहीं कोई फिर दोबारा से फुटे अच्छा लाग गए ना गांव में गणेश समाचार दे दिए ग्यारहवीं तक स्कूल ही हेड मास्टर साहब ने बोला कोई नहीं जाएगा वहाँ आगे गेट में कुर्सी गाल के बैठेगा और बच्चा छाट करके उसके पीछे आ गया एक भी बच्चा कौन बचा सारा का सारा आ गया पच्चीस जाके नोलू गुरु जी जाऊँ घर बोले क्यों क्या बात हो गई नोलू बच्चा तो एक भी कौन गया सारा आ गया बोले कठी का गया बोले भाई दीवार करके डूब के चला गया चौबीस घंटे हाँ कप लंबू बहुत ही डाला टूट गई चलो इनकी छाया में सारे आश्रम है इनकी छाया में बहुत दृढ़ विश्वास हो भगवान पर जब ऐसे बिना आश्रय रुकेगा नहीं तो अपन को एक दिन भी कोई एक दिन के लिए भी कहते पेड़ के नीचे रहने में तो मुश्किल हो जाएगा आठ साल पहले सब बहुत जंगल हो गया और गांव में जाते थे जरख होता था जरख तो जरख जो ना रास्ता सुरा से गुजरता तो गुरु महाराज जी बोला कई बार तो रुक जाता है और वो मिट्टी फेंकते हैं उनमें कोई आदत है हम लोग करें मिट्टी फेंकते हैं तो मिट्टी फेंकना था मतलब बाग जाओ रखे के रख रखे तो यहाँ वो चला जाता है वो करता और सांप तो एक कुटिया थी छापर था उस छापर में बहुत बड़े सांप रहते बरसात के टाइम में वो जो है निचाई में जगह पानी भरता तो वो सब बिलों में पानी भर जाता तो उसमें आगे कुटिया मरी जाती हम कई बार जो है बचपन में पूछ लेता गुरु जी ने सांपा डर कौन लगता था तुम्हारे सांपा ने सांप समझ आई कोई तरह सांप समझता तो भाग जाता मैं भी डर लगता पर सांपा ने भगवान को रूप तो वो तुमने जो है ऐसा जीवन जियो यदि जो अब हमारा वर्ग का लोग जो है उनका टाइम सही होता है उनके पीछे बहुत ही घना ही महिमा है जब महिमा वापिस आके भी कहा नमो नारायण महाराज जी फिर आगा मतलब तुरंत हाथ क्या दिखेगा ना बिल्कुल ये भगवान के आस्था से
चौबीस घंटा में चल रहा था चार पाँच साल से। अच्छा अच्छा। पर गुरुजी के सामने जो है 9 से 10 एक घंटा होता। अच्छा। और सुबह होता है एक बार शाम को 3 बजे होता। अरे अब लगा रहा अब लगातार चल रहा। हमारा बड़ा गुरु भाई एक मिला था वो एक दूसरा केड़ा में गिर रहा। अच्छा। तो वो आज शाम तक 3 तारीख को भी है प्रोग्राम। 3 तारीख यहाँ तारीख से मना तारीख और आज भी 50-60% उठे लोग था ना। खान गया।